अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। रूस यूक्रेन में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। कैनेडियन वज़ीर दिफा का कहना है कि रूस बच्चों और ख़ानदानों को बेतरतीब तरीके से कत्ल कर रहा है। नेटो इत्तेहाद यूक्रेन की मदद के लिए मुत्तहिद हैं। ब्राम्पटन के साबिक मेयर पैट्रिक ब्राउन कंजर्वेटिव पार्टी की क्यादत की दौड़ में शामिल। ब्राउन पार्टी के अंदर एक मेहनती ऑर्गेनाइजर के तौर पर जाने जाते हैं। ब्राउन का कहना है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 भारतीय तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। तमाम अफराद ग्रेटर टोरंटो और मॉन्ट्रियल के इलाकों के तालिब इल्म थे। चीन में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। लॉकडाउन नाफिज, शहर शेंजन में 20 मार्च तक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा कोरोना में मुब्तला हो गए। रूस का यूक्रेन के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर हमला, 35 हलाक और 134 जख्मी। अमेरिका का यूक्रेन को मजीद हथियार देने का ऐलान, रूस ने तबाह करने की धमकी दे दी। रूस का यूक्रेन में लड़ने के लिए शामी रजाकार भर्ती करने का फैसला। इराक में अमरीकी कौंसिल खाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, दर्जनों धमाकों ने इरबिल शहर को हिलाकर रख दिया। अमरीका का ईरान पर इल्ज़ाम, हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल, जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली, एक डोज से मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कैनेडियन वज़ीर दिफा का कहना था कि रूस वाज़ह तौर पर एक खौफनाक जारे है, बच्चों और ख़ानदानों को बेतरतीब तरीके से कत्ल कर रहा है और जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वज़ीर दिफा ने कहा है कि रूस यूक्रेन में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। उन्होंने रूस पर यूक्रेन में हालिया हमले के बाद नाकाबिल माफ़ी जारहियत और जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया, जिसमें 35 अफराद हलाक हो गए थे। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में रूस वाज़ह तौर पर एक खौफनाक चेहरे है, बच्चों और ख़ानदानों को बेतरतीब तरीके से कत्ल कर रहा है और जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। रूस ने इस हफ्ते के आखिर में यूक्रेन की मगरबी सरहद से नेटो के रुकन पोलैंड के साथ 25 किलोमीटर से भी कम फासले पर यावरियो में वाक़ बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के मरकज पर मिज़ाइल हमला किया। इस मरकज को यूक्रेन के फौजी एहलकारों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और इससे कबल ऑपरेशन यूनिफायर या यूक्रेन में सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत देने के कनाडा के मिशन के हेडक्वार्टर के तौर पर काम किया जाता है। इस मिशन के हिस्से के तौर पर 33,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तरबियत दी गई है। ये ताज़ा तरीन हमला नाकाबिल माफी रूसी जारहियत की एक और मिसाल है और नेटो इत्तेहाद इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद है कि सबसे पहले हर मुमकिन मदद यूक्रेन तक पहुंच सकती है, दूसरा ये कि हम एक इत्तेहादी के तौर पर मुत्तहिद हैं और वाशिंगटन मुहाइदे के आर्टिकल 5 की हिमायत में खड़े हैं।
पैट्रिक ब्राउन बाज़ाब्ता तौर पर फेडरल कंजर्वेटिव की क़यादत करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं, इस वादे के साथ कि वो हालिया बरसों में पार्टी में फूट पड़ने वाले टूट फूट को दूर करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पैट्रिक ब्राउन बाज़ाब्ता तौर पर फेडरल कंजर्वेटिव की क़यादत करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं, इस वादे के साथ कि वो हालिया बरसों में पार्टी में फूट पड़ने वाले टूट फूट को दूर करेंगे। 43 साल ने ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो में अपनी मुहिम का आगाज किया, जहां वो 2018 से मेयर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने कभी कंजर्वेटिव को वोट नहीं दिया और दूसरी पार्टियों को वोट दिया है, कि वो हमारे खानदान में खुशामदीद महसूस करें। ब्राउन, जो पार्टी के अंदर एक मेहनती ऑर्गेनाइजर के तौर पर जाने जाते हैं, कंजर्वेटिव क्यादत की दौड़ में शामिल होने वाले 5वें उम्मीदवार हैं, जो पहले ही सबक वफाकी प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव रहनुमा जैन चॉस्ट और ओटावा के इलाके के एमपी प्लेयर पॉलिवर की आबादी में है। एमपी लेस्लियन लियोस और आजाद ऑन्टेरियो एमपीपी रोमन बेबर भी इंतखाब लड़ रहे हैं। ब्राउन की सियासी जड़ें ब्रैम्पटन में गहरी हैं और ये मुल्क का वो हिस्सा है जहां कंजर्वेटिव जानते हैं कि अगर वो हुकूमत बनाने की उम्मीद रखते हैं तो उन्हें यहाँ अपनी हिमायत बढ़ाने की जरूरत है। कनाडा के शहर टोरंटो में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 भारतीय तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हफ्ते की सुबह टोरंटो के करीब एक गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 भारतीय तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। कनाडा में हिंदुस्तानी सफीर अजय बिसारिया ने बताया कि हादसे में 2 दीगर जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हलाक होने वाले तलबा की शनाख्त हरप्रीत सिंह, जसपिंदर सिंह, किरण पॉल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार के तौर पर हुई है। सिफारत खाने के हुक्काम ने कहा कि वो मुतासरीन के दोस्तों से राब्ते में हैं। अजय ने तलबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया। मरने वालों की शनाख्त हरप्रीत सिंह, जसपिंदर सिंह, किरण पॉल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार के तौर पर हुई है। उनकी उम्र 21 से 24 साल के दरमियान थी। पुलिस का कहना है कि ये तमाम अफराद ग्रेटर टोरंटो और मॉन्ट्रियल के इलाकों के तालबे इल्म थे। वो हाईवे पर मुसाफिर वैन में मगरिब की तरफ सफर कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद 2 दीगर शदीद जख्मी मुसाफरों को अस्पताल ले जाया गया, ताहम उन्होंने उनकी हालत के बारे में कोई अपडेट फराहम नहीं की। हादसे की तहकीकात जारी है। इस मामले में अभी तक कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। चीन में कोरोना के नए केसेस की शरह 2 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई, जिसके बाद 2.25 करोड़ आबादी के शहर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना के नए केसेस की शरह 2 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई, जिसके बाद 2.25 करोड़ आबादी पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जीरो कोरोना मुहिम अभी अपने अहदाफ की जानिब गामजन थी कि अचानक यौमिया केसेस में होशरबा इजाफा हो गया, जो गुज़िश्ता 2 बरसों में नए केसेस की सबसे ज्यादा शरह है। चीन में कोरोना केसेस की तादाद 3,400 हो गई है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला इलाका शेंजेन है, जो टेक्नोलॉजी हब कहलाता है और कारोबार का मरकज है। शेंजेन में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करके 20 मार्च तक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है, जबकि शहरियों का 3 मरहले में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वाज़ेह है कि कोरोना सबसे पहले चीन में 2019 को सामने आया था, जिसके बाद ये मोहलिक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और अब तक मजमूई तौर पर 60 लाख से जायद हलाकतें हो चुकी हैं। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा कोरोना में मुब्तला हो गए। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ट्वीट में कहना था कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कुछ रोज से मामूली अलामत महसूस होने पर कोरोना टेस्ट करवाया था। रूसी फौज ने पोलैंड की सरहद पर यूक्रेन के फौजी अड्डे पर 30 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी फौज ने पोलैंड की सरहद पर यूक्रेन के फौजी अड्डे पर 30 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक पोलैंड से महज 25 किलोमीटर दूरी पर वाकया यूक्रेन के शहर याफ्रोफ में मुल्क के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर रूसी तैयारों ने हमला कर दिया। ख्याल रहे कि 140 मुरबा मील पर मुहित इस फौजी अड्डे में यूक्रेनी अहलकारों को तरबियत देने के लिए नेटो के ट्रेनर भी मौजूद रहे हैं। याफ्रोफ के गवर्नर मैक्सिकम कोजेट्सी ने मीडिया को बताया कि रूसी तैयारों ने याव्रियो इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर 30 रॉकेट दागे, जिनमें कुछ को फिजा में ही तबाह कर दिया गया, ताहम ज्यादातर फौजी अड्डे में गिरे। गवर्नर मैक्सिकम कोजेट्सकी के मुताबिक रूसी फौज के हमले में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हुए।
تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں کوئی غیر ملکی یا نیٹو اہلکار بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ روس کا یہ پہلا حملہ ہے جو یوکرین کے مغربی علاقے اور یورپی یونین کے رکن ملک پولینڈ کے قریب کیا گیا ہے۔ تاہم اب تک یورپی یونین اور پولینڈ نے اس حملے پر رد عمل نہیں دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور روس میں براہ راست تصادم کے خدشات میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ نے یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس نے یوکرین کو بھیجے گئے اسلحے کی کھیپ تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیار دینے سے باز رہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو پہنچنے والے اسلحے کی کھیپ تباہ کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے لیے مزید $20 کروڑ فوجی امداد کا اعلان کیا ہے۔ روسی طیارے اور ٹینک تباہ کرنے کے حامل میزائل بھی یوکرین بھیجے جائیں گے۔ روسی وارننگ کے بعد امریکہ اور روس میں براہ راست تصادم کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یوکرین میں لڑنے کے لیے روس نے شامی رضاکار بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شامی رضاکار یوکرین میں روسی فوج کے شانہ بشانہ لڑ سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ پوٹن 16,000 رضاکار یوکرین بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ماسکو نے شام کو تباہ کیا اور اب وہاں سے قاتلوں کو بھرتی کر رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہیرو مشروبات اور سمندری خوراک پر پابندی لگاتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں براہ راست مداخلت کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ نیٹو کو روس کے خلاف کھڑا کرنا تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا، ہم یوکرین میں روس کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عراق کے صوبے کردستان کے دارالحکومت اربل میں واقع امریکی قونصل خانے پر رات کے متعدد میزائل داغے گئے، جس کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عراقی شہر اربل میں واقع امریکی قونصل خانے پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عراق کے صوبے کردستان کے دارالحکومت اربل میں واقع امریکی قونصل خانے پر رات گئے متعدد میزائل داغے گئے، جس کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ امریکی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ امریکی قونصل خانے میں داغے گئے میزائل ایران کی جانب سے فائر کیے گئے، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چند روز قبل شام میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں ایرانی فوجیوں کی شہادت ہوئی تھی، جس پر ایران نے بدلہ لینے کا عندیہ دیا تھا۔ دھماکوں پر ابتدائی رد عمل میں اربل کے گورنر امید خوشناف نے کہا کہ کئی راکٹ قونصل خانے کے قریب گرے ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ نشانہ شہر کا ہوائی اڈہ تھا یا امریکی قونصل خانہ، کیونکہ اربل ہوائی اڈے پر امریکی فوجی اڈہ بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خبر رساں ایجنسی ارنا نے بھی عراق میں شیعہ ملیشیا کے قریبی میڈیا آؤٹ لیٹ سیبرین نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ درجنوں دھماکوں نے اربل شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اربل ہوائی اڈے کے قریب 14 راکٹ امریکی اڈوں پر گرے ہیں۔ واضح رہے کہ چند روز قبل شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب اسلامی کے 2 ارکان مارے گئے تھے اور ایرانی حکومت نے کہا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے قبل جنوری 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی فضائی حملے میں شہادت کے بعد ایران نے امریکی فضائی اڈوں کو 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔